हाय, मेरा नाम है सार्थक अरोड़ा और आप देख रहे हैं रॉकेट टेक। और मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने व्यूज कैसे बढ़ाते हैं आप फेसबुक वीडियोस पे। बट इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो मैंने तीन सिंपल तरीके आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करें जिससे आप अपने वीडियो व्यूज फेसबुक पे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप कोई भी वीडियो अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करें तो उसको अपनी प्रोफाइल से जरूर शेयर करें। उससे क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपको जो फेसबुक अलाउ करता है आज के टाइम पे ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिकली आपको रीच मिलती है वो है 3-5% की अपनी ऑडियंस में। तो अगर आपके पास 1000 फॉलोअर्स हैं तो उसके सिर्फ 3-5% मतलब 30-50 लोगों को ही आप रीच कर सकते हो ऑर्गेनिकली। बट आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे ऐसा नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आपके 500-600 दोस्त हैं और आप उसमें कुछ पोस्ट करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को रीच कर पाते हैं। तो ज़रूर अपने पोस्ट को, अपनी वीडियो को शेयर करें अपनी प्रोफाइल से। और अगर आपका कोई दोस्त है या आपका कोई पार्टनर है या जो बंदा आपने के उस वीडियो या उस पेज से रिलेटेड है, उसको भी कहिए कि अपने प्रोफाइल से शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा पॉइंट जो है आपका, वो है आपका सोशल लिसनिंग। तो देखिए, काफ़ी आपने देखा होगा ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स पे, कोरा पे, लिंक्डइन ग्रुप्स पे काफ़ी लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, स्पैम करते हैं। सोशल लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिना देखे बिना समझे कुछ भी आप कंटेंट हर जगह पोस्ट करते हैं। सोशल लिसनिंग का मतलब है कि आप पहले सुनिए क्या कह रहे हैं लोग उस ग्रुप में, आप उनकी कॉन्वर्सेशन रीड करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इस वीडियो को बनाया कि कैसे अपने वीडियो व्यूज़ बढ़ाते हैं। अब मैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में जाके सर्च करता हूँ कॉन्वर्जेशन, तो उसमें मैं ये देखूंगा कि कहाँ पे ये बात चल रही है कि वीडियो व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं। अब अगर कहीं पे मेरे को वो कॉन्वर्जेशन मिल जाती है तो मैं वहाँ पे रेलेवेंट अपना पहले बात करके उसके बाद अपने फेसबुक वीडियो का लिंक डालूंगा या पोस्ट डालूंगा कि इस वीडियो को देखिए और आपको समझ आ जाएगा कैसे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। समझे आप? ऐसे ही कोरा पे आप देख जाइए, क्वेश्चन सर्च कीजिए, जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे आप ये इसका आंसर दीजिए और अपने वीडियो का लिंक छोड़िए, तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तीसरा तरीका जो है वो है एडवर्टीजमेंट। देखिए एडवर्टीजमेंट, ये पहले दो तरीके तो फ्री थे, अब ये तीसरा तरीका जो है वो एडवर्टीजमेंट है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको यहीं से मिल सकते हैं ज़्यादा मेहनत करें बिना। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कैसे एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाते हैं वीडियो व्यूज़ के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने एड्स मैनेजर पे आ चुका हूँ। अगर आपको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना नहीं आता और अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आप देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कैसे बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है। अब चलते हैं कि कैसे हम एड क्रिएट करते हैं वीडियो व्यूज़ की। तो उसके लिए आपको ये बटन दबाना होगा, ग्रीन वाला जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्रिएट का, तो इससे हम अब क्रिएट कैंपेन क्रिएट करना शुरू कर दिया हमने। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट करना है, विच इज़ वीडियो व्यूज़। अब हम इसको फटाफट नाम चेंज कर देंगे। और अब जो दूसरा स्टेप है वो है ऑडियंस। ऑडियंस यहाँ पे आपको अगर सीखना है कैसे ऑडियंस बनानी है तो अगेन राइट हैंड साइड टॉप साइड कॉर्नर पे हमने एक वीडियो लिंक छोड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक ऑडियंस बनाई हुई है जो हम इस कैंपेन में यूज़ करने वाले हैं। अब आती है बात प्लेसमेंट की, तो हम जनरली प्लेसमेंट जो फेसबुक के लिए यूज़ करते हैं वो सिर्फ फीड यूज़ करते हैं, बट ये वीडियो व्यूज़ कैंपेन है तो हम सजेस्टेड वीडियोस भी यूज़ करेंगे, बट हम इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ करेंगे। अब आप मोबाइल डिवाइसेस भी फिल्टर कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस को शो करना है, या फिर ओनली वेन कनेक्टेड टू वाईफाई भी कर सकते हैं। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। अब इसमें क्या है, देखिए पहले तो सबसे पहले एक नए फीचर के बारे में आपको मैं बताता हूँ, जो है थ्रू प्ले। आप देखते हैं आजकल वीडियोस के बीच में फेसबुक पे 15 सेकंड का डिले आता है, एक एडवर्टीजमेंट चलती है, वो ये थ्रू प्ले के थ्रू ही चलती है। तो अगर आपको ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट चलानी है जो 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको चाहिए, नॉन स्किपेबल एड चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं इस कैंपेन के थ्रू, थ्रू प्ले सेलेक्ट कर सकते हैं और आप वो रन करना शुरू कर सकते हैं। मैं हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी 10 सेकंड वीडियो व्यूज़ ही चाहिए हमें। आप कॉस्ट कंट्रोल लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं अभी इसको नहीं यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ फेसबुक ही ऑप्टिमाइज़ करे इसको। मेरा डेली बजट 500 रुपये का है मैं, और यहाँ पे आप कैसे चार्ज करना चाहते हैं अपने आप को, आप पर 10 सेकंड वीडियो व्यू भी चार्ज कर सकते हैं और पर इम्प्रेशन भी चार्ज कर सकते हैं।
तो हमने इम्प्रेशन ही करना है इसको, और डिलीवरी टाइप क्या करनी है आपको, स्टैंडर्ड करना है या एक्सेलरेटेड करनी है, हमें स्टैंडर्ड ही रखनी है इसको। अब अगले स्टेप में हम ऐड सेलेक्ट करेंगे कि हमने ऐड एग्जैक्टली क्या रन करना है। तो सबसे पहले तो अपना पेज सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, जिस पेज से आपने ऐड रन करना है। अब उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप एक नया वीडियो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ऊपर सब कुछ लिख सकते हैं, अपना टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, या फिर आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फेसबुक पोस्ट कर चुके हैं, वो आप लिख सकते हैं। नाम चेंज कर देता हूँ फटाफट में। अब हमने ऑलरेडी एक पोस्ट किया हुआ जो हमने, जिसके ऊपर हम ज़्यादा व्यूज चाहते हैं, और ये वो पोस्ट है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब देखते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी इस पोस्ट में एक अपना कॉल टू एक्शन डाल चुका था जब मैंने वीडियो पोस्ट करी सेंड मैसेज को, वो यहाँ आ गया। आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इस एडिट बटन से, और आप बाकी भी देख सकते हैं कितने साइन अप, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट कोड, गेट शो टाइम, लर्न मोर, लिसन नाउ, शॉप नाउ, सब्सक्राइब, वॉच मोर। आप इसमें से कोई भी कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ऐड आपका दिखेगा लोगों को। तो अब हमारा काम यहाँ पूरा हो गया, हम कंफर्म कर देंगे और ये ऐड हमारा चला जाएगा रिव्यू के अंदर। तो दोस्तों, ये था कैसे आपको वीडियो व्यू से कैंपेन सेट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम था सार्थक अरोड़ा, आप देख रहे हैं रॉकेट टेक। थैंक यू।